नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। देश की सरकारी प्रसारण एजेंसी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने दिल्ली के दंगों पर ब्रिटिश प्रसारणकर्ता बीबीसी के एक तरफा और भड़काऊ रिपोर्टिंग पर उसे जमकर खरी खरी सुनाई है। साथ ही भारतीय महिला खिलाड़ियों के समान समारोह के ब्रिटिश प्रसारणकर्ता बीबीसी के न्योते को भी ठुकरा दिया है। इसका आयोजक बीबीसी ही है। प्रसार भारती का कहना है कि दिल्ली हिंसा पर बीबीसी की एक तरफा रिपोर्टिंग के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बीबीसी से ऐसी खबरों पर वैचारिक दृष्टिकोण की समीक्षा करने की भी उम्मीद जताई है। वेम्पति को नई दिल्ली में 8 मार्च को होने वाले भारतीय महिला खिलाड़ियों के सालाना सम्मान समारोह में बीबीसी ने आमंत्रित किया था। इसीलिए वेम्पति ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के महानिदेशक टॉनी हॉल को लिखे एक पत्र में कहा, दिल्ली में हिंसा की घटनाओं के बारे में बीबीसी की कवरेज को देखते हुए मैं सम्मानपूर्वक ये न्योता ठुकरा रहा हूँ। 4 मार्च को लिखे पत्र में वेम्पति ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एक साथी सरकारी प्रसारणकर्ता होने के नाते इस बात से बड़ी निराशा हुई कि बीबीसी ने दिल्ली की हिंसक घटनाओं की रिपोर्टिंग एक तरफा प्रकाशित और प्रसारित की है, जबकि उन्हें इसमें मददगार साबित होना चाहिए था। प्रसार भारती के सीईओ ने पत्र में लिखा कि बीबीसी की रिपोर्ट में ऐसे दृश्य दिखाए गए जैसे दिल्ली पुलिस बिना किसी सांप्रदायिक हमले या खतरे के कार्रवाई कर रही हो। दुर्भाग्यवश बीबीसी के पत्रकारों ने सभी न्यूज़ रिपोर्ट में ये कहीं नहीं बताया कि वर्दीधारी पुलिस वाले अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए एक भीड़ की हिंसा का भी शिकार हुए। इधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केरल के मलयाली चैनल मीडिया वन और एशिया नेट न्यूज टीवी को गलत रिपोर्टिंग के लिए नोटिस दिया है। इनके जवाब के बाद मंत्रालय ने दोनों चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया है। इस पर 48 घंटे के प्रसारण पर इन पर रोक लगा दी गई। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।